आपको पता है पीहू ने स्कूल जाना छोड़ दिया। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आयु पीहू की मम्मी। हम आपके लिए मोरल स्टोरी और फनी वीडियोस बनाते हैं, तो आइए देखते हैं पीहू पढ़ाई करती है या पढ़ाई छोड़ देती है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अरे आयु पीहू उठो, स्कूल जाना है। गुड मॉर्निंग बेटू। उठो ना पीहू, स्कूल का टाइम हो गया बेटा। स्कूल में जाना, ना इसको स्कूल जाना होता है ना इसको पढ़ाई करनी होती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से, पता नहीं इसका क्या होगा। ऐसा करती हूँ, जो इसको करना है करे, एक दिन इसको खुद ही समझ में आएगा। ठंड हो रही है, सुना दो ना, रोज तो स्कूल जाती हूँ मैं, एक दिन छुट्टी मारना दो ना। ऐसा करो, आप तो हमेशा के लिए छुट्टी कर लो, टेंशन ही खत्म स्कूल जाने की। हाँ माँ, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, मत जाओ स्कूल। माँ अगर आप सच बोल रहे हो तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन या चार दिन, कितने दिन है माँ? तेरा जब तक मन करे मत जाओ स्कूल। मेरी क्या? सच्ची? हाँ सच्ची। ठीक है तो मैं सो रही हूँ, गुड नाइट। लेकिन सुनो कि आपको जितने दिन नहीं जाना मत जाओ, पर आयु को कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? मैं सो रही, गुड नाइट। सोचो मैं अच्छे से सोऊंगी, मूवी देखूंगी और बहुत सारे गेम्स खेलूंगी। आयु बेटा उठो, आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया। और पीहू आप तो सो जाओ। अरे मुझे खुशी के बारे नींद नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग दीदी, आप स्कूल नहीं जा रही क्या? नहीं बेटा, दीदी को लेट जाना है स्कूल। ठीक है, अपन रेडी होते हैं। आयु रेडी हो गए बेटा? यस मम्मा। दीदी का टिफिन और वाटर। दीदी का टिफिन? बेटा दीदी आज थोड़ा सा लेट जाएगी, है ना? आप स्कूल जाओ। चलो वेर आर वी? चलो मम्मा, बाय बाय बेटू। और मैडम आज का क्या प्लान है? अभी मैं मेरी वीडियो देख रही हूँ, फिर मैं थोड़ा देर टीवी देखूंगी, फिर सो जाऊंगी दिन में, फिर उठ के जाऊंगी खेल। फुल डे बिजी हो? वेरी गुड। बेटा स्कूल नहीं जा रहे हो, नहा तो लो। ओके मम्मा। आयु भी आने वाला है अब तो। वाह क्या मजे की लाइफ है, नो स्कूल, नो पढ़ाई, नो होमवर्क। ये तो गलत बात है। तू कौन है? मैं हूँ वो पीयू जो पढ़ाई करना चाहती है। ओए तू जरा पढ़ाई पढ़ाई मत कर। अब तू कौन है? मैं वो पीहू हूँ जो मस्ती करना चाहती है। आज तो स्कूल क्यों गई? क्योंकि मैं पढ़ाई कर बोर हो गई हूँ और आज मैं मस्ती करना चाहती हूँ। हाँ पीहू तूने बिल्कुल सही कहा, नहीं पढ़ाई करना और स्कूल जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है कि बच्चा पैदा होकर क्यों रोता है? क्यों? क्योंकि उसको 2 साल बाद स्कूल जाना पड़ेगा और उसको अगले 25 साल तक पढ़ाई 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 करनी पड़ेगी। तो आपके हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे बड़े होकर? ये क्या बात हुई, एक छोटा बच्चा बड़ा होकर इंसान ही तो बनेगा। जैसे एक पप्पी बड़ा होकर डॉग ही तो बनेगा, एक गाय का बच्चा बड़ा होकर गाय तो बनेगा। ये होता है कॉमन सेंस जो तेरे में नहीं है। और पढ़। वाह पीयू वाह, तू बड़े गाय बनेगी, घर पर जाके चारा खाएगी, मुआ मुआ करेगी। लेकिन गोबर उसके घर के सामने करना, मेरे घर के सामने नहीं। भागो तू यहां से, तो मेरे दोस्त है दुश्मन। अरे लेकिन मैं तो, अरे सुन तो सही। अरे पीहू किससे बातें कर रही है? इसे अम्मा। मम्मी मैं आ गया। आ गए बिट्टू? आज तो मैम ने इतना पढ़ाया कि मैं थकी गया। होमवर्क भी इतना सारा दिया है कि अगर मैं रात तक भी कर लूँ तो भी नहीं होगा। चलो करो होमवर्क करो। मैं तो बच गई। आयु थोड़ी देर खेलने में मेरे साथ मम्मा बोली। दीदी नहीं, मैम ने आज बहुत सारा होमवर्क दिया है। चलो छोड़ो मैं टीवी देखती हूँ। आयु ड्रेस चेंज कर ली तो आ जाओ बेटा, खाना लग गया। दीदी आज आपको ट्यूशन नहीं जाना क्या? दीदी की मर्जी। धनुष्टि धनुष्ट धनुष्ट नहीं धनुष धनुष। मामा मैं खेलने जाऊं? जाओ। मैं भी खेलने जाऊं। बेटा आपका बहुत सारा होमवर्क बाकी है ना? हाँ। आप पढ़ाई कर लो पहले, है ना? ओके मम्मा। मम्मी ये क्या? तेरा मैथ्स का होमवर्क हो गया क्या? मेरा तो हो गया। तेरा? मेरा यार बस 2 क्वेश्चन ही बाकी है, मेरे को समझ में नहीं आ रही तो मैं सर से पूछ लूंगी। हाय
हेलो पीहू, आज तो स्कूल क्यों नहीं आई? तो थक गई पढ़ाई करके। पहले स्कूल जाओ, फिर स्कूल का होमवर्क करो, फिर ट्यूशन जाओ, फिर उसे लर्न करो। तेरी मम्मा ने तेको मना नहीं करा? नहीं, मेरी मम्मी ने तो मुझे परमिशन दे दी। वाह यार, तेरी मम्मी तो कितनी अच्छी। मेरी मम्मी तो मेरे को एक दिन की भी छुट्टी करने नहीं देती, स्कूल तो छोड़ ट्यूशन की भी छुट्टी नहीं करने देती। अब तुम्हें सोचो कि मैं पढ़ाई ना करूँ। वाह यार, तेरे जैसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ, आज मैंने ये बहुत एंजॉय करा। टीवी देखा है, मूवी देखी है, पार्क में खेली हूँ, बहुत मजा आया आज तो। पापी तू तो कितनी लकी है। हाँ भाई, तूने तो सही बोला। ये कौन सा गेम खेलना है आज? अरे नहीं यार, कल तो मैथ्स का टेस्ट है, मुझे तो उसकी प्रिपरेशन करनी है। चल पीहू यार, मैं तो मेरे घर जा रही हूँ। अरे रुक परी, मैं भी आती हूँ। चल चल, रुको तो सही, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर तो खेलो मेरे साथ। बेटा अभी तो आई हूँ, मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी, थोड़ी देर रुक जाओ। फुदक कर गाना गाती, सुबह सुबह तुम सबको जगाती। मम्मा को तो बस आई की टेंशन है। गुड मॉर्निंग बेटू, उठो। आयो, उठो बेटू, स्कूल जाना ना। आज मम्मा आपने मुझे अभी तक क्यों उठाया? बेटे आपको तो स्कूल जाना नहीं था ना। उसमें बस भी आने वाली होगी। हाँ, 5 मिनट में आने वाली बस आपकी। आओ बेटू, रेडी हो। अच्छा मम्मा, नाश्ता तो दे दो। बेटा आयु लेट हो रहा है, स्कूल के लिए बात करती। और इसी तरह पीहू ने आज का दिन भी टैब, टीवी और मोबाइल देखकर खराब किया। मम्मी देखो मैं क्या लाया। अरे ये क्या, मैथ्स कंपटीशन में फर्स्ट आयो? वाह आयु, वेरी गुड आयु। आखिर तो भाई किसका है ये? मेरा बेटू। तुम पे भी जीते गेम में। चलो अब आयु के लिए आज क्या बनाऊं मैं? रोमा देखो ना, इडली सांभर। पक्का इनके लिए आज इडली सांभर बनेगा। अच्छा बताओ बड़ों को क्या बनोगे? पायलट बनोगे? प्लेन उड़ाऊंगा। दीदी आप बड़ों के क्या बनोगे? मैं ना बड़े होकर क्या हुआ दीदी, बोलो ना। चलो छोड़ो बेटा, आप कपड़े चेंज करो, मैं खाना लेकर आती हूँ। आयो खाना खा लिया बेटा, आ जाओ होमवर्क करा लेती हूँ। ठीक है मम्मी। मैं कॉलेज चले जाऊँ? आपकी मर्जी। मेरा टेस्ट तो अच्छा हुआ, पर वो लास्ट वाला सम बहुत डिफिकल्ट था तो मैंने उसे छोड़ दिया। तेरा? मेरा तो बहुत अच्छा गया। अरे वो देख वहाँ पीहू खड़ी है। अरे हाय पीहू। हाय। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी, 5 बज गए। मैथ्स टेस्ट था, मैं तो उसमें पक गई। अरे यार डांस प्रैक्टिस में तो मैं बहुत ही थक गई, और तुम्हारा वेट करते करते मैं तो बहुत बोर हो गई। और याद है तेरे को पिछले साल हम लोग एक ही डांस ग्रुप में थे, कितना मजा आया था। पर हाँ, हमें तो फर्स्ट प्राइज ही मिला था। तू भूल मत जब अपन ट्रॉफी लेने जा रहे थे ना, तब तू सीढ़ियों से गिर गई थी। बट इस साल तू नहीं होगी तो शायद उतना मजा नहीं आएगा। हाँ यार भी। चलो उसे छोड़, हम खेलते हैं। अरे नहीं, आज तो क्राफ्ट वाली मैम ने 5 क्लास बनाने का होमवर्क दिया, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। क्या तेरी तो क्राफ्ट भी इतनी अच्छी, तुम्हारी हेल्प कर देना। अरे हाँ पीहू कर देना हेल्प। नहीं अभी मुझे कुछ घर पे काम है, मैं भी जाती हूँ। अरे पीहू रुक ना यार। अरे ये पीहू को क्या हुआ? पता नहीं, वो था 32, मैं था 36, वो था 40। चलो हो गया रिवीजन। मम्मी अम्मा खेलने जाओ गार्डन। हाँ जाओ। अपा हम को क्या, मैं गार्डन से आ गई। अरे तू तो खेलने मेरे साथ। नहीं दीदी, मैं फ्रेंड्स के साथ खेलूंगा। ना कोई मुझसे बात कर रहा है, ना मेरे साथ खेल रहा है। अब तो मेरे पास मेरी फ्रेंड से बात, मेरे को कोई टॉपिक भी नहीं बचा। अब क्यों परेशान हो रही है? अरे तो फिर से आ गई, तुझे
रही थी मैं स्कूल ही जाऊँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँ। देख हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत सारा ज्ञान देती है, पर अभी मत दे प्लीज, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ। देख, अरे तू भी आ गई, दो दिनों से तेरे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, गेम खेले, मूवी देखी, बाहर खेली, कितना मजा आया ना। तू उसकी बात बिल्कुल मत सुन। हमने एंजॉय तो करा, पर मैं अकेले अकेले कब तक एंजॉय करूंगी? मैं मेरे स्कूल को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे ट्यूशन फ्रेंड्स को, मेरी ट्यूशन मैम को बहुत मिस कर रही हूँ। हर साल पढ़ाई एग्जाम, पढ़ाई एग्जाम, पढ़ाई एग्जाम, कब तक कर जाएगी हम? स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें होती है, और फिर बड़े होकर क्या बनूंगी? स्कूल जाना गुड हैबिट है, मस्ती करना भी गुड हैबिट है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, खेलना कूदना भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई से हमारा करियर बनेगा। पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनी जाएंगे। पीहू गुडविल बनेगी, पीहू मेरी बात सुनके गुडविल बनेगी। मेरी बात, मेरी बात, मेरी 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 बच्चों, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। जाओ तुम लोग यहां से। अरे पीहू आ गई, ये क्या? सॉरी मम्मा, अब से मैं रोज स्कूल जाऊंगी, कभी छुट्टी नहीं मारूंगी। आप तो स्कूल नहीं जाने वाले थे कभी भी। अब मुझे समझ में आ गया है, पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना खाना और खेलना। देखो मम्मा, दीदी कितनी समझदार है, आज वो बहन किसकी है? किसकी है? मैंने। आपकी है क्या? हाँ। ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो रेडी हो बच्चे से, बस आने वाली है। आप भी रेडी हो? मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जाऊँ क्या? क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पैर में पेट दुख रहा है। अच्छा, नाटक। ये होता है कॉमन सेंस जो तेरे में नहीं है। और पढ़। वेरी गुड। गोबर इसके घर के सामने करना, मेरे घर के सामने। हाँ, मम्मा के घर के सामने करना।